हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लीजिए, मैं फिर से हाजिर हूँ एक और नए हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ। तो मार्केट में बहुत सारे स्वीट कॉर्न मिल रहे थे, तो आज की रेसिपी हम स्वीट कॉर्न के साथ बनाएंगे और एकदम हेल्दी वे में। साथ में आपको मिलेगा डबल धमाका, क्योंकि एक बैटर से हम बनाएंगे यहाँ पर आज दो रेसिपी। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए रेसिपी को हम शुरू कर लेते हैं। एक मिक्सी के जार के अंदर ऐड कर देंगे यहाँ पर 1 कप स्वीट कॉर्न, चौथाई कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और इसका एक फाइन पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। एक मिक्सिंग बोल के अंदर तैयार पेस्ट को हम निकाल लेंगे। 1 कप इसके अंदर मोटी वाली सूजी ऐड करेंगे। आप मेजरमेंट के लिए अपने किचन से कोई भी कटोरी या फिर कप सेट कर सकते हैं। 1/2 कप डालेंगे इसके अंदर बेसन, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक थिक बैटर बना लेंगे। बैटर यहाँ पे तैयार हो गया है। तैयार बैटर को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। इसमें हमने सूजी ऐड की है, तो सूजी जो है फूलती है, तो इसलिए हमें इसको 10 मिनट का टाइम देना होगा। मिलते हैं 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो गए हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमारा बैटर जो है पहले से गाढ़ा हो गया है। पहले हम थोड़ा सा पानी डाल के बैटर की कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी का यूज़ और किया है। पहले मैंने 1 कप डाला था, टोटल 1/4 कप पानी मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। बैटर हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें हम थोड़े से मसाले ऐड कर लेंगे। 1 छोटा चम्मच ऐड करूँगी यहाँ पे नमक का। 1/4 छोटी चम्मच डालेंगे गरम मसाला। 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे चिली फ्लेक्स। 1/2 छोटी चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर या फिर चाट मसाला, एक ही डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर कुछ सब्ज़ियाँ ऐड की हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला है स्वीट कॉर्न, हरा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक। थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पर पत्ता गोभी। दो चम्मच के करीब डालेंगे शिमला मिर्च और यहाँ पे मैंने आधी गाजर ली है, इसको बारीक काट लिया है, ये डाल देते हैं। तो आपके पास जो सब्ज़ी हो आप वो ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई सब्ज़ी नहीं है तो बिना उसके भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। अच्छी तरह से सारी चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लेना है। रेसिपी में मैंने दही का यूज़ नहीं किया है। ये हमारा बैटर बनके हो गया है तैयार। अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1/2 पैकेट इनो। 2 चम्मच के करीब पानी डाल देंगे तो हम जल्दी से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए, अपने पैनकेक बनाना हम यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हैवी बॉटम का पैन ले लिया है। आप चाहें तो नॉनस्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर हल्का सा तेल डाल देंगे 1 चम्मच जितना और इसको हम चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे थोड़े से राई, थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे तिल। ये वाला स्टेप करना पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब इसके अंदर हम अपना बैटर डाल देंगे। अब धीमी आंच पे इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका लेना है। और सेम बैटर के साथ आप यहाँ पे अप्पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अप्पे स्टैंड ले लिया है। थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर हम तेल डाल देंगे। तेल को यहाँ पे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देना है और इसके अंदर हम डाल देंगे अपना बैटर। इसको भी हम 2 से 3 मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जो पैनकेक है ऊपर से ड्राई हो गया है, इसको हम पलट देते हैं। बहुत इजीली ये निकल जाएगा और इस तरह से इसको हम पलट देंगे। तो देखिए कितना अच्छी तरीके से ये सिक चुका है। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं, बहुत ही थोड़ा सा डालेंगे। और ऊपर से ऑयल डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है। इसको भी हम ढक देंगे। अब दूसरी साइड से भी हमें इसी तरह से सेक लेना है। अब देखिए, यहाँ पे अप्पे हमारे एक साइड से सेक चुके हैं। अब इनको हम पलट देंगे। थोड़ा सा ऑयल इसके ऊपर हम डाल देंगे
सिकने देंगे। तो हमारे यहाँ पे कॉर्न पैनकेक भी रेडी है और हमारे यहाँ पे अप्पे भी रेडी हैं। तो पहले मैं अप्पे आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ तोड़ के। ये देखिए, काफ़ी टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनके तैयार हो गया है। तो आप भी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा।